أكبر الله أكبر الله أكبر. हम सब जानते हैं कि कोई तो शक्ति है जो पूरी कायनात को नियंत्रित करती है। ज्ञान विज्ञान से भी आगे वही है जो दूध और खून बना सकती है। जन्म और मृत्यु का सत्य केवल उसे ही पता है। दुनिया का आरंभ और अंत वही जानता है और वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ने जब पृथ्वी का सृजन किया तब वो इतनी खूबसूरत नहीं थे। उबड़ खाबड़ और वीरान थे। तब उसने खूबसूरत झरने, नदियां, रेत के टीले, पर्वतों की चोटियां, सफेद बर्फ की चादर से ढके ग्लेशियर बनाए, गहरे नीले समंदर के शानदार बीच बनाए, हरी हरी घास, पेड़ पौधे, हरे भरे जंगल बनाए, सुंदर सुंदर पशु पक्षी, जीव जंतु बनाए, खूबसूरत फूल, तितलियां, पतंगे बनाए। लेकिन इतने भर से ब्रह्मांड को संतुष्टि नहीं मिली। तब उसने अपने इस शानदार सृजन का आनंद उठाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य का सृजन किया और वो हो तुम, सिर्फ तुम। इसीलिए ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हें ही सपने देखने की, सोचने की और सृजन करने की असीम क्षमता दी और तुमने इन्हीं क्षमताओं का उपयोग करके कितने ही चमत्कारिक सृजन किए। तुमने समुद्र की लहरों से, नदियों और झरनों की कलकल से, हवाओं की सरसराहट से, पक्षियों के कलरों से, कोयल की कूक और भौरों की गुंजन से सुरों को समेटकर अद्भुत संगीत की रचना की। बलखाती नदियों की लचक, लहराती टहनियों की लटकन, उड़ते पक्षियों के गोते, फुदकते पशु पक्षियों की थिरकन और नयनों की चितवन को समेटकर तुमने नायाब नृत्यों का सृजन किया। तुमने ही तो सतरंगी इंद्रधनुष के खूबसूरत रंगों को संजोकर दुनिया में कला के अनमोल रंग बिखेरे।
ब्रह्मांड से मिली आस्था, प्रेम, प्रेरणा और सृजनशीलता की शक्ति से तुमने ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा बनाया, क्राइस्ट द रिडीमर बनाया, चिचेन इज्जा बनाया, द कलोसियम, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माचू पिच्चू और पेट्रा बनाया, ताजमहल बनाया। इन सभी खूबसूरत और नायाब संरचनाओं की सृजनकर्ता सिर्फ तुम हो। अब तक ब्रह्मांड को विश्वास हो चला था कि तुम वाकई में उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति हो और इसलिए उसने तुम्हारी बौद्धिक क्षमता को और अधिक विकसित किया। तब तुमने सूरज की रोशनी और अंधेरे में भी चमकती बिजली से अभिभूत होकर रात के अंधेरे को मिटाने का प्रण लिया और आखिरकार जीवन की अंधेरी रातों को जगमग रोशनी से भर दिया। पानी में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और नर नारियों के सुंदर अक्स को देखकर उन्हें चिरस्थायी बनाने की तुम्हारी कल्पना ने ही तो कैमरे का सृजन किया, जिसकी बदौलत तुम अपने जीवन के यादगार और ऐतिहासिक क्षणों को सदियों तक संजो कर रखने लगे। पंछियों की उड़ान से प्रेरित होकर खुद भी उनकी तरह उड़ने के सपने देखे और आखिरकार हवाई जहाज का सृजन कर ही डाला। इस तरह महीनों का सफर घंटों में तय करने की नई राह बनाई। तुमने मछलियों के तैरने और पक्षियों के पानी में फ्लोट करने की कला को मिलाकर छोटी छोटी नावों से लेके बड़े बड़े समुद्री बेड़ों और गहरे पानी में द्रुत गति से तैरने वाली सबमरीन के साथ साथ हाउस बोट से लेकर हार्मनी ऑफ सीज जैसे पानी पर तैरते शहरों तक का अद्भुत सृजन किया। तुम्हारे इस सृजन से ही प्रसन्न होकर ब्रह्मांड ने तुम्हारी कल्पना शक्ति को और तीव्रता प्रदान की। तब तुमने ही तो कल्पना की कि जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही सोचने वाला कोई और हो, बिना थके बिना रुके मेरी ही तरह काम करने वाला भी कोई और हो। और फिर तुमने कंप्यूटर का सृजन किया। कंप्यूटर के निर्माण ने तो दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। मनोरंजन के क्षेत्र में अनेकों क्रांतिकारी बदलाव आए। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई। मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा और कृषि आदि के क्षेत्र में अतुलनीय विकास हुआ। ये सब हुआ तुम्हारे एक सृजन कंप्यूटर से। चांद पे तो तुम पहुंच ही गए हो, मंगल पे पहुंचने की तैयारी में हो और फिलहाल तो पृथ्वी और चांद के बीच में रहने भी लगे हो। ब्रह्मांड की दी हुई शक्तियों का उपयोग तुम करते रहे हो और करते रहोगे। सृजन की इस प्रक्रिया में सदियों पर सदियां बीतती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे योगदान का रुतबा कायम रहा। अभी और आगे जाने क्या क्या सृजित करोगे तुम। ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत संरचना सिर्फ तुम। तुम और तुम्हारा सृजन दोनों ही अद्भुत और अकल्पनीय हैं।
लेकिन इतनी सदियों के इस अनवरत सफर में तुम्हारे साथ कुछ और भी पनप रहा था, जो ब्रह्मांड का वरदान तो बिल्कुल नहीं था, जैसे कि अहंकार। इसे तुमने ही जन्म दिया और इसी अहंकार ने एक नहीं दो दो बार वर्ल्ड वॉर करवाए। बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर बम से लेकर हाइड्रोजन बम तक मौत का सामान बनाने लगे थे। लाखों करोड़ों लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। अहंकार के साथ साथ नफरत ने भी जन्म ले लिया। और नफरत की आंधी से शुरू हुए दंगे फसादों में अनेकों ब्लास्ट और भयंकर आगजनी हुई। आखिरकार इंसानियत ही तो शर्मसार हो गई। इस सफर के दौरान जाने कब और कैसे जिम्मेवारियों को भूलने की आदत लग गई तुम्हें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की होड़ में पेड़ कटे, प्रदूषण बढ़ा और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। इस वजह से पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में आ गई और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आए दिन दुनिया को नेचुरल डिजास्टर से रूबरू होना पड़ता है। खुद के अहंकार, नफरत और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण आज तुम्हारी बेचैनी, गुस्सा, हताशा, निराशा और ईर्ष्या बढ़ती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन इस गहरे अंधेरे भंवर में फंसते ही चले जा रहे हो तुम। प्रेम, दया, करुणा, भाईचारा जाने कहां खो गए। रास्ते में दर्द से तड़पते किसी इंसान की मदद करने की बजाय मुंह फेर कर आगे बढ़ जाते हो तुम। अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करने का तो क्या नायाब तरीका निकाला है। उनके लिए बड़े बड़े वृद्धाश्रम बना रहे हो तुम। अपने घर को शांतिवन बनाने की जगह रण का मैदान बना रहे हो और घर के बाहर अपनी खुद की पहचान बनाने की बजाय भीड़ का हिस्सा बन गए हो तुम। सदियों से गिरजाघरों, मंदिरों, मस्जिदों, मीनारों और गुरुद्वारों में ईश्वर अल्लाह को ढूंढ रहे हो, लेकिन सभी धर्मों के सर्वोच्च संदेश इंसानियत, इंसानियत को ही भूल गए तुम। मनुष्य को ब्रह्मांड से मिली असीम शक्तियों को भी भुला बैठे हो। कितने बदल गए हो तुम। नतीजा ये कि बड़े सपने तो आज भी हैं,
जिंदा भी है, लेकिन तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है तुम्हारा डर। ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य और उसके डर की वास्तविकता बड़ी विचित्र है। जैसे कि वक्त की कमी या इमरजेंसी में हवाई यात्रा करने वाले तो बहुत है, लेकिन वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। जो 402 करोड़ का लग्जरी प्लेन अपनी पत्नी को जन्मदिन पे गिफ्ट कर देते हैं, पिज्जा और बर्गर खाने के लिए यूं तो सभी रेस्टोरेंट्स में भीड़ लगी हुई है, लेकिन 1,60,000 रुपए की कीमत वाले पिज्जा मार्गोस पिज़ेरिया और 16,00,000 रुपए के डेजर्ट फ्रोजन चॉकलेट हॉट का स्वाद चखने वाले भी तो यही मौजूद हैं। 9-10 लाख रुपए की कार खरीदने की खुशी में दी या ली जाने वाली पार्टियां तो हर गली मोहल्ले में होती ही रहती है, लेकिन द विंस्टन के 9.5 लाख रुपए के एक कॉकटेल से अपनी खुशी का इजहार करने वाले भी अनेकों हैं। 1,40,00,000 रुपए की द डेलमोर 62 विस्की की बोतल क्यों बनती है पता है? क्योंकि लोग उसे शान से खरीदते हैं। कहीं कोई छोटा मोटा व्यवसाय ठीक ठाक से चल पड़े, कोई अच्छी एजेंसी मिल जाए या फिर किसी टेंडर की लॉटरी लग जाए तो कुछ लाख से 2-4 करोड़ तक के फ्लैट या बंगले खरीदने वाले तो हर शहर में मौजूद हैं। लेकिन 30 लाख रुपए पर नाइट के टैरिफ वाले टाई वार्नर पेंट हाउस सूट न्यूयॉर्क, चालीस लाख रुपए पर नाइट के टैरिफ वाले शाही महल सूट होटल राज पैलेस जयपुर इंडिया, 55 लाख रुपए पर नाइट के टैरिफ वाले प्रेसिडेंशियल सूट होटल प्रेसिडेंशियल विल्सन जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी बुकिंग आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि लोग वहां बड़े शौक से रहते हैं और वहां पे रहने वाले लोगों के खुद के घरों की तो बात ही निराली है। मतलब ये कि परिवार के केवल 5 से 6 सदस्यों के रहने के लिए भी कई करोड़ों के शानदार घर बने हैं, और वो सब भी इसी धरती पर मौजूद हैं। एक तरफ ईएमआई पर मिलने वाली छोटी मोटी कारें सड़कों पर ट्रैफिक जाम की शोभा बनी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस जैसी शानो शौकत से परिपूर्ण कारों को खरीदने वाले भी मौजूद हैं। कई लोग डर के मारे 40 सालों तक नौकरी इसलिए करते रहते हैं कि बाद में पेंशन मिलने वाली है और साथ ही इंश्योरेंस की किस्तें भी बराबर जाती रहेंगी ताकि जमा रकम बुरे वक्त में काम आए। ये लोग हर दूसरे घर में मौजूद हैं और इन लोगों को बाकी लोग बड़े नसीब वाला भी मानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने मुस्कुराते हुए होठों यानी केवल अपनी स्माइल का ही 200 करोड़ का और अपने खूबसूरत लेग्स का 67 अरब रुपए का इंश्योरेंस कराने वाले लोग भी किसी और नहीं इसी दुनिया में रहते हैं। किसी की कोई छोटी मोटी मदद हो या उधार दिया हुआ पैसा वसूलने के चक्कर में होने वाले झगड़ों की खबरें न्यूज में देखना और पढ़ना तो आजकल की दिनचर्या बन गई है। सुना है कि मनुष्य प्राणी को दूसरों के झगड़े देखे या सुने बिना नींद नहीं आती, लेकिन गरीब असहाय और बीमार लोगों की मदद करने वाली संस्थाओं को खुशी खुशी 1876 अरब 536 अरब या 12,316 करोड़ रुपए दान में देने वाले और ऐसे ही अनेकों दिलदार भी
इसी दुनिया के हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अगर मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है तो दो मनुष्यों में इतना फर्क क्यों, इतनी आर्थिक विषमता क्यों? इस विषमता के पीछे की एक अविश्वसनीय सच्चाई ये है कि दुनिया के 5% लोगों ने इस डर को अपने पैरों तले रौन डाला है। इसीलिए दुनिया की 80% से भी ज्यादा धन दौलत और अतुलनीय मान सम्मान इनके पास है। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग ना तो पहले से बहुत अमीर थे और ना ही कोई विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता रखते थे। और दूसरी तरफ बचे हुए 95% लोग हैं जो या तो गरीब हैं या फिर छोटी मोटी कामयाबी के नशे में मदहोश हैं। इस विषमता को भली भांति समझने के लिए आगे की दिलचस्प कहानी सुनो, जिसके हीरो भी हो सिर्फ तुम। तुम्हारे कुछ स्वाभाविक गुणधर्म हैं, जैसे कि औरों से ज्यादा सुंदर दिखने की चाहत, और इसलिए तुम जीवन भर खुशी खुशी कॉस्मेटिक्स का खर्च उठाते हो। न जाने कितनी कंपनीज खड़ी हो गई और अरबों खरबों की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बन गई। तुम्हारे आत्मविश्वास का तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए घर, दफ्तर, पार्टी और समारोहों में कब, कहां और क्या पहनना है इस बारे में बहुत सजग रहते हो तुम, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तुम्हारे इसी स्वभाव के चलते तुम्हारे शानदार व्यक्तित्व की गारंटी देने वाले अनेकों अनेक ब्रांड्स आ गए। इन ब्रांड्स को ब्रांड बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो तुम। समाज में तुम्हारे कर्मों का महत्व सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी कार, गहने, घड़ी, परफ्यूम, घर और घर की सुविधाएं आदि को भी स्टेटस सिंबल माना जाता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अपने इसी स्टेटस को लगातार अपग्रेड करते रहने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हारी इसी फितरत के चलते लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से लेकर रियल इस्टेट तक अनगिनत इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं, और इसी चक्कर में देश दुनिया की अर्थव्यवस्था आकार लेती है। इतने शक्तिशाली हो तुम, अपने दिल की बात या कोई जानकारी कुछ क्लिक्स के द्वारा कुछ सेकंड्स में अपने मित्रों और पूरी दुनिया तक पहुंचा देते हो तुम। तुम्हारा मकसद तो केवल अपनी बात सब तक पहुंचाने का ही होता है, लेकिन उसके ऊपर होने वाले लाखों करोड़ों क्लिक्स या हिट्स से ही वो वायरल हो जाता है। इसी ऑनलाइन अपलोडिंग, क्लिकिंग, फॉरवर्डिंग, शेयरिंग और हिट्स के पीछे अरबों खरबों की इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप को फेसबुक ने लगभग 1474 अरब रुपए में और स्काइप को माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 570 अरब रुपए में खरीदा। गूगल की वर्थ तो लगभग 33,366 अरब रुपए की हो चुकी है। किसी ने सच ही कहा है कि वक्त बहुत कीमती होता है। तुम्हारे तो टाइम पास के वक्त ने भी अरबों खरबों की गेमिंग इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अपने घर, दफ्तर, ट्रैवलिंग या किसी इंतजार में टाइम पास के लिए किसी गेम को क्लिक करके शुरू हो जाते हो। गेम्स भी कोई ऐसे वैसे नहीं,
घर बैठे खेले जाने वाले गेम्स के साथ साथ बड़े बड़े मैदानों में खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और रग्बी जैसे गेम्स भी जब चाहे जहां चाहे खेलते हो तुम। प्राणी मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनोरंजन, और मनुष्य का मनोरंजन तो बहुआयामी है। अपने मनोरंजन के लिए वक्त निकालते हो, टीवी सीरियल, फिल्म, मैच या लाइव प्रोग्राम वगैरह देखकर। कितनों को अकूत धन दौलत और शोहरत के साथ साथ स्टार और स्टार को सुपरस्टार बना देते हो। इसके भी आगे एक फैन या फॉलोअर के रूप में दीवानगी की हद तक चले जाते हो तुम। ये तो कुछ ही एग्जांपल्स है। देखा जाए तो सुबह से लेकर रात तक होने वाली तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि किसी बड़े टर्नओवर में अपना योगदान करती ही है। बावजूद इसके सच्चाई ये है कि ऐसे भारी भरकम टर्नओवर्स का मैक्सिमम हिस्सा उन 5% लोगों को ही संपन्न बनाता है, और ये उनका अधिकार भी है, क्योंकि ये लोग हर समय अपनी वैचारिक क्षमता और दूरदर्शिता का उपयोग करके फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। अपने विचारों और कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए विषम परिस्थितियों के संघर्षों में भी बिना डरे बिना रुके डटे रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड भी उनका उतना ही साथ देता है, और आखिरकार वो कामयाब हो ही जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बाकी 95% लोगों के पास विचार या कल्पनाएं नहीं होती। होती है, लेकिन वो अपने विचारों और कल्पनाओं के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं और डरते रहते हैं कि अगर ये ऐसा या वैसा हुआ या नहीं हुआ तो। दो मनुष्यों की इस कहानी का सारांश यह है कि एक के विचारों और कल्पनाओं से बड़ा है उसका डर, और दूसरे के डर से बड़े हैं उसके विचार और कल्पनाएं। ये एक दिलचस्प कहानी भर नहीं है बल्कि सच्चाई है, और आज का दिन जजमेंट डे है। क्या परिस्थितियों का रुख बदल सकता है? क्या अरबों खरबों की टर्नओवर से मिलने वाली संपन्नता के हकदार तुम भी बन सकते हो? जरूर बन सकते हो। चौंक गए ना, लेकिन यह संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट का जमाना है, और टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को बदल के रख देता है। जैसे कि फेसबुक, लोग चाहे किसी भी देश के हों, उनमें अपने परिचितों और संबंधियों के बारे में जानने, समझने और सुख दुख बांटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लोगों की इसी प्रवृत्ति को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा सुगम बनाया जा सकता है, ये विचार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के दिमाग में आया, और उसने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया। देखते ही देखते सन 2016 में लगभग
21,976 अरब की टोटल वर्थ के साथ फेसबुक दुनिया भर के लगभग 165 करोड़ लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दुनिया में लाखों लोगों ने टैक्सी का व्यवसाय करने के लिए टैक्सीज खरीद ली। अब कभी ऐसा भी होता है कि किसी जगह पर 10 टैक्सीज ग्राहकों के इंतजार में खड़ी हैं और उसी वक्त किसी दूसरी जगह 10 लोग टैक्सीज के इंतजार में। ऐसे ही संयोग को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा सुगम बनाने की कल्पना ने उबर टैक्सी नाम के कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया। कुछ समय बाद सन 2016 तक दुनिया में लगभग 60 देशों के 500 से ज्यादा शहरों में लोग उबर टैक्सीज में घूमते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उबर टैक्सी के मालिक के पास खुद की टैक्सीज हैं भी या नहीं। उसके बावजूद भी सन 2016 तक उबर टैक्सी की टोटल वर्थ लगभग 4,154 अरब हो गई। कुल मिला के अपनी कल्पना को साकार करने के लिए जरूरी नहीं है कि खुद आपका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एक ताकतवर कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके असंभव को संभव बना देता है। इतनी ताकत होती है एक कॉन्सेप्ट में। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आज की परिस्थितियों का रुख भी बदला जा सकता है। तुम्हें भी अरबों खरबों के टर्नओवर से मिलने वाली संपन्नता का हकदार बनाने वाला एक शानदार कॉन्सेप्ट दुनिया में दस्तक दे चुका है। आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि उस शानदार कॉन्सेप्ट ने आज तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है, और वो है द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। द बैंक का मानना है कि हर कालखंड में कोई विचार, घटना या इनोवेशन जरूर होता है जो उस कालखंड का स्वरूप ही बदल देता है, और 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी इनोवेशन है स्मार्टफोन, जिसने पूरी दुनिया वाकई तुम्हारी मुट्ठी में समेट कर रख दी है। स्मार्टफोन में मौजूद सैकड़ों एप्लीकेशंस तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। फिर तुम्हें कोई जानकारी चाहिए या नौकरी, घर ढूंढना हो या फिर घर को सजाना, ज्वेलरी की शॉपिंग हो या सब्जी भाजी, होटल बुकिंग या ट्रैवल टिकट, टैक्सी ढूंढना हो या फिर जीवन साथी, अपनों के लिए दवाई भेजना हो या खुद के लिए इंश्योरेंस लेना, फ्रेंड्स को अपना लेटेस्ट स्टेटस अपडेट करना हो या फिर लेटेस्ट न्यूज देखनी हो, खुद का मनोरंजन हो या दूर बैठे अपनों से फेस टू फेस बात करना, एड्रेस ढूंढना भी उतना ही आसान है जितना पैसे ट्रांसफर करना, अपने पसंदीदा स्टार्स के ट्वीट्स को फॉलो करना हो या फिर किसानों द्वारा मौसम, मंडी या खेती की अन्य जानकारी लेना। अब तो सरकारें भी विभिन्न योजनाएं और सुविधाएं तुम तक पहुंचाने के लिए एप्स के माध्यम से तुमसे जुड़ रही हैं। कुल मिला के दुनिया का हर तीसरा आदमी स्मार्टफोन से लैस है, और ये अरबों खरबों के टर्नओवर का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। आइए इस बात को जरा आंकड़ों की नजर से देख लेते हैं। यूं तो आंकड़े हमेशा हमें बोर करते हैं, लेकिन सच होते हैं। जैसे कि स्कूल के जमाने में तुम्हें चाहे मैथ्स पसंद हो या ना हो,
पर रिजल्ट तो आंकड़ों में ही आता है। हर जन्मदिन पर तुम अपनी उम्र के आंकड़े ही तो गिनते हो। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन चाहे जरूरत हो चाहे समस्या, आंकड़ों में ही गिनी जाती है। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसके कम या ज्यादा होने से तुम्हारे दिल की धड़कन भी धीमी या तेज हो जाती है, और वो है तुम्हारा बैंक बैलेंस। मतलब ये कि आंकड़े ही अंतिम सच हैं। आज की भागदौड़ भरी दिनचर्या में आंकड़ों पर नजर रखना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, लेकिन द बैंक आज तुम्हारा ध्यान कुछ आंकड़ों पर आकर्षित करना बेहद जरूरी समझता है। statista.com के अनुसार सन 1995 में जहां 1,60,00,000 लोग इंटरनेट यूज करते थे, वो संख्या सन 2010 में 197,10,00,000 हो गई। यही संख्या 2015 में बढ़कर 336,60,00,000 हो चुकी है। कुल मिला के वर्ल्ड पॉपुलेशन का 46.4%, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। द बैंक ने पाया कि सन 2010 में जहां 97,00,000 लोग सोशल नेटवर्क यूजर्स थे, वो आज 222,00,000 तक पहुंच गए हैं, और अनुमान है कि सन 2019 तक ये आंकड़ा 272,00,000 तक पहुंच जाएगा। एक अध्ययन के अनुसार स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जहां सन 2014 में लगभग 159,30,00,000 लोग स्मार्टफोन यूज करते थे, वो संख्या सन 2016 में बढ़कर लगभग 208,20,00,000 तक पहुंच जाएगी, और अनुमान है कि सन 2019 तक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़कर 265,90,00,000 तक पहुंच जाएगी। IAMAI और KPMG की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन का। एक अनुमान के अनुसार अकेले भारत में सन 2017 तक लगभग 31,40,00,000 स्मार्टफोन यूजर्स हो जाएंगे। द बैंक के अनुसार वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स के टर्नओवर की स्टडी और प्रोजेक्शन पर अगर नजर डालें तो ट्रिमेंडस ग्रोथ की संभावनाएं हैं। सन 2014 में जहां ये आंकड़ा लगभग 89,522 अरब रुपए था, वो सन 2016 में करीब 1,37,374 अरब रुपए, और सन 2018 तक ये आंकड़ा करीब 2,02,015 अरब रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अकेले भारत के संदर्भ में अगर ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स के आंकड़ों को देखें तो एसोचैम और ग्रांट थॉन्टन की जॉइंट स्टडी रिपोर्ट के अनुसार सन 2013 में जहां 2,00,000,000 लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, वो संख्या सन 2016 में बढ़कर 4,00,000,000 हो चुकी है। इसी स्टडी रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 3 सालों में 20,00,000,000 इंटरनेट यूजर्स और बढ़ने वाले हैं। तब ऑनलाइन शॉपिंग का टर्नओवर क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। द बैंक का मानना है कि चाहे ये आंकड़े हों या फिर इनकी वजह से अलग अलग इंडस्ट्रीज में होने वाले अरबों खरबों के टर्नओवर्स, सभी का उद्गम स्थल तो तुम ही हो। अगर तुम ही नहीं होते तो ये आंकड़े आते कहां से? इसलिए अरबों खरबों के टर्नओवर्स का कुछ हिस्सा
तुम्हारी तरफ मोड़ने के लिए दुनिया भर के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और परचेसिंग पावर को तुम्हारे लिए ही चैनलाइज किया जाना चाहिए, ताकि तुम्हें ही अधिकतम फायदा पहुंचे। यही इस कॉन्सेप्ट की खास बात है। इस मकसद को पूरा करने के लिए दा बैंक ने नवीनतम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से लैस इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लगइन होकर हजारों लाखों लोगों की परचेसिंग पावर के चैनलाइजेशन की शुरुआत तुम्हारी एक पहल से होगी, और वो पहल है ईऑन नेट। के कारण तुम्हारे चैनलाइजेशन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इस तरह बनाए गए चैनल में अरबों खरबों के टर्नओवर्स की अविरल धारा का कुछ हिस्सा मोड़ने की प्रक्रिया आरंभ करेगा वन ऐप। और इसी धारा को और अधिक गतिशील बनाएगा थ्रिल। ये सब कैसे होगा, ये समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। और इसे समझने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। देखो, दुनिया की एक बेस्ट सेलर किताब अल्केमिस्ट में लिखा है कि जब भाग्य हमारा साथ दे रहा हो तो उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें भी उसकी उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी वो हमारी कर रहा है। यही सौभाग्य का सिद्धांत है, जिसे लोग पहल करने वालों की तकदीर पुकारते हैं। ये किताब में लिखा हुआ एक वाक्य भर नहीं, बल्कि सच्चाई है। इसलिए जिसके भी माध्यम से ये वीडियो तुम देख रहे हो, उसके साथ कुछ वक्त बिताकर इस सच्चाई से तुम रूबरू हो जाओ कि अरबों खरबों के टर्नओवर्स की इस अविरल धारा का कुछ हिस्सा तुम्हारी तरफ भी मुड़ सकता है। आज दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें भी उन 5% अमीर और कामयाब लोगों की दुनिया में लेकर जाएगी। बस जरूरत है तो इतनी कि तुम भी अपने डर को पैरों तले रौंद डालो और ब्रह्मांड से मिली हुई असीम शक्तियों का आवाहन कर एक नई शुरुआत करो, क्योंकि ब्रह्मांड की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति हो तुम, सिर्फ तुम।